हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। दोस्तों, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा और दोस्तों हमारी गणेश्वर, ये हमारी सभ्यताएं बालाथल हो चुकी हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रंग महल। दोस्तों, हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो दोस्तों जो हमारा कॉली लेक्चर का जो थर्ड पेपर है उसमें भी हमारी ये राजस्थान की सभ्यताएं हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, पटवार है, या हम छोटे एग्जाम किसी की भी बात करें तो दोस्तों राजस्थान जीके में राजस्थान की सभ्यताएं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उनमें आज का हमारा टॉपिक है रंग महल। रंग महल, दोस्तों आपने नाम सुना होगा इसका। सबसे पहले तो आप इसका नाम को समझना, रंग महल। जो नाम है वो रंग महल है, रंग कलर। तो दोस्तों ये रंग महल जो नाम है ये क्यों पड़ा, क्योंकि समझना, यहां से लाल लाल बर्तनों पर काली पट्टी बनी हुई है। लाल बर्तनों पर काली पट्टी बनी हुई है और यहां से दोस्तों गुलाबी रंग के मृद भांड भी प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां से तरह तरह के रंगों के मृद भांड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है रंग महल। और जहां से ये प्राप्त होते हैं, जिस टीले से ये प्राप्त होते हैं, उसका नाम भी क्या हो जाता है, रंग महल। क्या हो जाता है, रंग महल, इसलिए नाम पड़ता है रंग महल। तो दोस्तों आज हम रंग महल के बारे में पढ़ेंगे। समझना दोस्तों, एक टीला प्राप्त होता है, यह जो टीला है यहां से तीन स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं, तीन स्तर, अर्थात तीन बार बसा और तीन बार ही क्या हो गया, उजड़ गया। क्या हो गया, उजड़ गया। अब समझना, जो दोस्तों जो ये टीला है, जो ये टीला प्राप्त होता है, जब इस टीले की खुदाई की जाएगी और इस टीले के अंदर से जो जो चीजें प्राप्त होंगी उसके आधार पर हम इस संस्कृति के बारे में पता लगाएंगे। समझे, क्योंकि जो जो चीजें खुदाई से प्राप्त होंगी, सबसे पहले दोस्तों समझना यह कहां पर स्थित है, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में। और नदी की बात करें तो दोस्तों प्राचीन सरस्वती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सरस्वती नदी पर, या हम यहां पर ये कहते हैं घग्गर नदी पर, प्राचीन घग्गर नदी पर। क्योंकि भाई कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है भाई, ठीक है ना। वो भी कौन सी नदी पर है, प्राचीन सरस्वती नदी पर स्थित है, तो इस नदी पर स्थित है भाई, ठीक है, हो गया हमारा यहां तक। अब समझना, अब इसकी जो खुदाई है, इसकी जो खुदाई की जाएगी 1952-54 ईस्वी में इसकी खुदाई श्रीमती हन्ना रिड ने की थी। किसने की थी, हन्ना रिड ने, ठीक है ना, जो लुंड विश्वविद्यालय से थे। कहां से ये दल, कहां का था, लुंड विश्वविद्यालय से थे, ठीक है ना भाई, विश्वविद्यालय से था ये दल। श्रीमती हन्ना रिड ने इसकी खुदाई की थी। अब समझना, इसकी खुदाई से जो जो चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार पर पता लगाया जाएगा। सबसे पहले तो जो ये रंग महल नाम है भाई क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहां से अनेक रंगों के बर्तन प्राप्त हुए हैं। काले रंग, लाल रंग के बर्तनों पर काली काली पट्टियां दे रखी है। आज भी हम गांव में देखते हैं जो मटका होता है तो उसमें दोस्तों काली पट्टी इस तरीके से भी होती है, काली पट्टी, जैसे ये मटका है तो काली पट्टी इस तरीके से उसमें होती है, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी चले आ रहे हैं। क्योंकि आप अगर इतिहास को समझना चाहते हैं, रटे नहीं समझे, जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो हमें दिख रहा है, उससे मिला जुला रूप ही प्राचीन काल में था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अलग था, अलग ऐसा कुछ ज्यादा अलग बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बर्तन प्राप्त होते हैं यहां से। आगे दोस्तों यहां से टोटीदार, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मोस्ट है, टोटीदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं। एक पहली बात तो यह है, जो ये बर्तन बनाए जाते थे, ये जो कुम्हार का
कुम्हार का जो चरक बोलते हैं, क्या बोल चरक चरकी बोलते हैं, जिससे मटके बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उससे बनाए गए थे। अब आप समझना, अगर आपने कभी किसी चाय की थड़ी पर बहुत से मटके होते हैं और उनमें नीचे टूटी होती है, नल होता है नीचे, आज भी होता है ये। और दोस्तों यहां पर समझने की बात तो ये है, जब हम बात कर रहे हैं रंग महल की बात कर रहे हैं, हम 1500 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय के जो कुम्हार थे वो कितने जागरूक थे और उस समय बर्तनों में टूटी किस तरीके से लगाई गई थी। बहुत बहुत अच्छी बात है, ये जानो कि हमारा इतिहास कोई यूं ही थोड़ी है, कितना अच्छा इतिहास। उस समय भी टूटी लगाई गई थी बर्तनों में, बहुत ही ये टूटीदार बर्तन वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूटीदार बर्तन, ठीक है ना। और दोस्तों आगे दोस्तों यहां से दीपदान भी यहां से प्राप्त होते हैं, दीपदान जिसमें दीपक रखे जाते थे, ऐसे भी यहां से मिट्टी के प्राप्त होते हैं, दीपदान भी यहां से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहां से रंग महल से कृष्ण जी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब आप समझना, कृष्ण जी की मूर्ति प्राप्त होती है और दोस्तों कृष्ण जी को गोपियों के पास दिखाया गया है, गोपिकाओं के पास, तो हम कह सकते हैं यहां से कृष्ण लीला की जानकारी भी यहां से प्राप्त होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अलग है, कृष्ण लीला की भी यहां से जानकारी प्राप्त होती है, कृष्ण जी की यहां से मूर्ति प्राप्त होती है। अगला दोस्तों यहां से कुषाण काल के सिक्के प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं कुषाण काल के, तांबे के। आपने कनिष्क का नाम सुना होगा, जिसने शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों यहां से कनिष्क की मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं, जो कुषाण काल की हैं। तो अब आप समझना, तो दोस्तों ये जो है ये कुषाण काल से संबंधित हो गया हमारा, कौन सा स्थल? रंग महल। किस काल से संबंधित हो गया? ये हमारा कुषाण काल से संबंधित हो गया हमारा रंग महल। और अब आगे समझना आप, जब ये कुषाण काल से संबंधित हो रहा है हमारा रंग महल, तो दोस्तों आपको मैंने एक बात आपको मैंने समझाई है, जब हम कुषाण काल पढ़ेंगे तो दोस्तों कुषाण काल की जो कला थी वो गांधार कला थी। एक हमारी मथुरा कला होती है, जो मथुरा के आसपास होती है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की, जैन देवी देवताओं की और बुद्ध देवताओं की भी मूर्ति बनाई जाती है मथुरा कला में। लेकिन गांधार कला में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। अब आप समझना, जब यहां से कृष्ण जी की मूर्तियां प्राप्त होंगी, तो दोस्तों कृष्ण जी को गांधार शैली में ही दिखाया गया होगा। और गांधार शैली कहां की थी? ये विदेशी शैली थी, विदेशी, या हम कह सकते हैं ये यूनान की शैली थी। कहां की शैली थी? यूनान की, विदेशी शैली थी। तो यहां पर कृष्ण जी को एक विदेशी शैली में दिखाया गया है। कौन सी शैली में दिखाया गया है? एक विदेशी शैली में दिखाया गया है। किसको? कृष्ण जी को। और दोस्तों ये जो रंग महल है, ये प्रस्तर काल से, जब पत्थर के औजार चलते थे उस समय से ही यहां की जानकारी प्राप्त होती है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की यहां से जानकारी प्राप्त होती है रंग महल से। और दोस्तों ये रंग महल से जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहां से लाल बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली पट्टियां हैं, इसलिए इसका नाम रंग महल पड़ता है। और दोस्तों ये टोंटीदार बर्तन वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, 3 बार की यहां से जानकारी प्राप्त होती है। और कृष्ण जी की ये जो कृष्ण लीला के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो रंग महल से प्राप्त होती है, कुषाण काल के यहां से सिक्के
सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहां से दीपदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, दीपदान भी यहां से प्राप्त होता है जिसमें दीपक रखे जाते थे। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था रंग महल। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।